ये कौन सा ड्रामा लगाया हुआ है तूने आज नया? ड्रामा? क्या कोई चीजें बेच रही है क्या घर पे बैठ के? नहीं। फिर चावल निकाल रही थी। चावल निकाल रही थी डब्बे में से? चावल निकाल रही थी। निकाल रही थी डब्बे में से? चावल निकाल रही थी। ये आटे की थैलियां है, ये तीन किस्म का आटा है। तीन किस्म का आटा? चावलों का आटा, ये गुंदुम का, ये शहरी गुंदुम, ये गांव की गुंदुम। पांच हो गई है तो फिर? नहीं, तीन। अच्छा, ये गांव की गुंदुम, ये चावलों का आटा, ये शहरी गुंदुम। अच्छा, डब्बे में ये चावल। मैं समझा शायद ये सामान रख के बड़ी शायद बेचेगी, अभी बेचने का प्रोग्राम सोचा है तूने कोई दुकान? इसका लट्टू देखो, लट्टू दिखाओ। तो इसमें आप इसमें कोई इसमें कुछ नहीं, कोई साया आपके पास आ रहा है? ये क्या चीज है, कौन सी चीज? ये छोटी आपके पास आ रही है? कैसे लग रहा है? ऐसा लग रहा है आपके साथ प्यार हो गया, ऐसे बाहर है। अभी क्या क्या सोच रही है यहाँ पे बस बैठी हुई है? सोच कुछ रही हूँ, हो कुछ रहा है, कह कुछ रही हूँ, हो कुछ रहा है। इसका मकसद है कि तेरा दिमाग अभी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। कल तो मैं पहले रखूं चावलों का आटा, कल तो मेरी छुट्टी है, इसके बाद रखूं गुंदुम का आटा। मौली साहब आया था आज? बाबा मैं तो पढ़ा, तो खत्म होने वाला बस। ये क्या कर रहे हो? नजर नहीं आ रहा तो क्या कर रहा हो? ये तो सरफ का पानी है ना, मशीन में डला हुआ था। हाँ तो मशीन बनाऊ, ये भी तेरी तरह है ना, चलते चलते धोखा दे गई। आसरा ही नहीं किया इसने भी, दो मिनट चली थी मशीन रुक गई, खराब हो गई। और नहीं तो क्या, अब ये पूरा जाया हो जाएगा। मैंने जाया क्या, अभी खाली करो, देखे इसको क्या मुसीबत है इसके अंदर, कौन सी बनू था कोई सर। सर अंगूर खाना सर। रस कर उधर। सर साहब इसको क्या कहते हैं? हम इसको काले अंगूर कहते हैं, और जब ये सूख जाते हैं तो इसको हम राख कहते हैं सिंधी में। आप इसको क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये देखें, मैं देखे कैसी हो गई हूँ, पता नहीं कि सुस्ती आज आ गई है जिसे मैं ये मैं बैठी हूँ। नींद से अभी उठी हूँ, इतनी सुस्ती हो रही है, दिल कर रहा है बस सोती रहूँ सोती रहूँ सोती रहूँ। और आप सुनाएं, मैं ये आ गया लट्टू बॉय। जी लट्टू बॉय, क्या दिखा रहे हो आज? खेल रहे हो? ये लट्टू को ऐसे बांधता है, हमारा कुछ अलग तरीका होता है बांधने का। हाँ, पकड़ के बहुत फास्ट है इससे। ये लट्टू को क्या हो गया है? पिंपल निकला है, पता है मुझे निकला है। ये देखो व्यूअर्स, इसको पिंपल निकला है। दोबारा चला के दिखाओ लट्टू। हाँ हाँ, बस। यूं कपड़े जमा नहीं कर नहीं कर नहीं कर। ये देखें व्यूअर्स, हम कपड़े धो रहे हैं, मशीन बन गई, बारिश भी तैयार है। ये भी बता दूं तुझे, और चश्मा कैसे रखा है? मशीन तो चल रही है, बन गई, बोले के रोठवा मशीन बना दी, बना दी तभी तो चल रही है, बगैर नहीं बनाई तो चल रही थी। ये क्या पी रहे हो? शरबत है, गरम शरबत पी रहा है। चाय देख रही है कप। बारिश हो जाएगी तो फिर कपड़े खराब नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। पैसे क्यों खा रहे हो? ये देखे सेब कैसे खा रहा है, चूहे की तरह। ये क्या है, चक्री? सेब ऐसे नहीं खाते। कल मैं ये सिरप पी रही हूँ भूख के लिए, ट्रेस और एक्सपोर्ट।
ये बहुत अच्छा है, बस इसमें थोड़ी नींद है बस, बाकी बहुत अच्छा है, जिसको भूख नहीं लगती उनके लिए। आज सैटरडे की 22 तारीख है। ते फिर जुमे क्या है? ये पढ़े हैं, ये मुझे बहुत पसंद है, और एक काम पड़ा है, और बाकी सेब और टमाटर है। ये सेब हम लाए थे जूस के लिए, ये खा रही हूँ, ये आलू बुखारा। क्या कर दिया नोटों को? बारिश हुई है, बारिश, बारिश की बारिश हुई है। बताए, तू तो उधर सो रही थी, ये देख भीगे हुए बारिश, बारिश नहीं, तुमने मशीन में कपड़े डाले और कपड़ों की जेब में हो गए। 100, 200, 350, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। सालन बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और सबसे पहले ये प्याज हैं, उनको छील के मैं डाल रही हूँ। गोश्त पड़ा है, वो बना रही हूँ। हाँ, देखती हूँ, मैंने टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और सारे मसाले जो होते हैं वो डाल के गोश्त को बॉयल होने के लिए रख दिया चूल्हे पे, और साथ में 2-3 गिलास पानी के भी डाल दिए जब तक ये गल जाए, फिर ये इसकी अच्छे से भुनाई नहीं। इसमें निकाल रही हूँ सेब की जूस निकालने की मशीन, और फिर सेब का जूस निकालते हैं। मशीन मैंने निकाली, अब इससे मैं सेब का यानी एप्पल का जूस निकालूँगी। व्यूअर्स ये देखें, सालन हमारा तैयार हो गया, हमारा व्यूअर्स तैयार हो गया है। सिकंदर ने खाना खा लिया, ये बाकी बचा हुआ सालन यहाँ पड़ा है। चावल मैंने रात वाले गरम करके रखे हैं, मैं आम से खाऊंगी। खाना खाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ओ जी, मैं और असद लंच कर रहे हैं। आपको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।